सुप्रीम कोर्ट से आया एक फैसला लगातार देश भर में अब चर्चा का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। दरअसल साल 2018 में केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर के आई राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था करवाई गई। दरअसल इसके पक्ष में केंद्र सरकार का तर्क यह था कि राजनीतिक दलों को कुछ लोग गुमनाम चंदा देते हैं और इसके लिए बड़ी तादाद में काले धन का इस्तेमाल होता है और इस काले धन पर रोक लगाने के लिए ही इस तरह का कदम उठाया गया। बड़ी तादाद में काला धन चुनाव में इस्तेमाल होता है और कई ऐसी कंपनियां, कॉरपोरेट्स या लोग राजनीतिक दलों को काला धन चुनाव के नाम पर चंदे के तौर पर देते हैं। लेकिन उसके लिए जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया, उसके लिए कंपनी अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट में और इसके अलावा जनप्रतिनिधि कानून में भी संशोधन करने पड़े और इसके तहत व्यवस्था लाई गई कि अब एक अधिकृत सरकारी बैंक यानी SBI की कुछ चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और वो राजनीतिक दलों को दिए जा सकते हैं। इसके पीछे तर्क केंद्र सरकार का यह था कि इससे काले धन का चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और जो चीज भी चंदे के तौर पर मिली है बाकायदा उसका रिकॉर्ड होगा SBI के पास में और आयकर विभाग के पास में, और ये एक नई व्यवस्था लागू की गई। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ कई शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और इसे गलत साबित करने के लिए दलीलें कोर्ट में दी गई। एक लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया। लेकिन सबसे खास बात यह कि जहां इस इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड के पक्ष में कई तर्क रखे गए, वहीं विरोध में तर्क रखे गए। लेकिन सबसे अहम साबित हुआ वो तर्क जिसमें यह दलील दी गई कि दरअसल ये तो मौलिक अधिकारों का ही हनन है। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और इसके तहत यह बताया गया कि दरअसल राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का यह उल्लंघन है, क्योंकि सरकार ने जो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लाई थी उसमें वोटर्स को पता नहीं चलता था कि ये चंदा किसने दिया है। भले ही वो बैंक के पास रिकॉर्ड में होता था कि इसे खरीदने वाला कौन है, किसे इसे दिया जा रहा है और कौन इसे भुना रहा है। इसके लिए बकायदा ये व्यवस्था की गई थी कि साल में कुछ कुछ वक्त पर ये बॉन्ड रिलीज किए जाएंगे, इसे राजनीतिक दलों को दिया जाएगा गुमनाम चंदे के तौर पर और 15 दिन के भीतर उस बॉन्ड को उन राजनीतिक दलों को भुनाना होगा। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक सबसे अहम तर्क और दलील को वाजिब माना और इस पूरे चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि भारत के संविधान में 19(1)(a) का यह उल्लंघन करता है और संविधान के अगर किसी नियम का यह उल्लंघन करता है तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था संवैधानिक नहीं कही जा सकती। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत SBI को इस तरह के बॉन्ड रिलीज करने पर पाबंदी लगा दी है, इस व्यवस्था को ही रद्द कर दिया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि जो पिछले बॉन्ड दिए गए हैं उसकी जानकारी अब उन्हें चुनाव आयोग को देनी होगी और वो चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करेगा अपनी वेबसाइट पर कि किसने ये बॉन्ड खरीदा और किसके खाते में ये पैसे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दलील में यह कहा गया कि अगर एक आम वोटर को ही यह ना पता हो कि जिस राजनीतिक दल को वो वोट दे रहा है या उसे वोट मांगने के लिए जो राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे हैं, दरअसल उनके पास पैसा कहां से आया और कैसे उसने खर्च किया, तो ये वोटर्स के उस मूलभूत संवैधानिक अधिकार का हनन है। और ये एक सबसे अहम बात और अहम तर्क साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बिना पर इस पूरी व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। खास बात यह है कि चुनाव बेहद करीब है और उससे पहले यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बेहद अहम और बड़ा कड़ा फैसला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि
इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था राजनीतिक दल तलाश करें जिसके जरिए काले धन पर भी रोक लगे और किसी के अधिकारों का हनन भी ना हो।